एकेडमिक लाइन की इस पार्ट में बात करेंगे 10+1 की जो बुक है हॉर्नबिल, उसकी द वॉइस ऑफ द रेन्स पोइट्री, थर्ड पोइम है शायद ये, और वाल्ट विटमैन की लिखी हुई है, और ये यूएसए से बिलोंग करते थे और इनका जन्म हुआ था 1819 को, 31 मई 1819 को, 31 मई 1819 को, और इनकी एक्सपायर हुए थे 26 मार्च 1892 को, ये यूएसए से बिलोंग करते थे। यहाँ पे एक बड़ी प्राकृतिक चीजों का इसने सोर्स मीन सावर्स बूंदाबांदी का बड़ा ही विचित्र तरीके से वर्णन किया गया है, किस प्रकार इसने बारिश से पूछा तुम कौन हो और उसने क्या जवाब दिया, और कवि जो है किस प्रकार उन चीजों का वर्णन यहाँ पे हमारे सामने करेंगे। And who art thou? Said I to the soft falling shower, showers, which stains to tell. Give me an answer as I translate it. पहले दो लाइन अलग है थोड़ी सी। And who art thou? कि तुम कौन हो? Said I to the soft falling showers, कि मैंने बिल्कुल आराम से गिरती हुई बूंदाबांदी जो थी उनसे पूछा। ये कवि कह रहा है कि मैंने पूछा, यहाँ पे पहली जो लाइन है कवि ने बारिश से पूछा कि तुम कौन हो। एंड हु आर्ट दो, कि तुम कौन हो। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर्स, कि मैंने उस आराम से गिरती बूंदाबांदी से पूछा कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल, गिव मी एन आंसर, जो बताते हो स्ट्रेंज टू टेल, मुझे विचित्र लग रहा है, अजीब बात है, बता रहा हूं मैं, जो उन्होंने उत्तर दिया, गिव मी एन आंसर, जो मुझे उत्तर दिया, स्ट्रेंज टू टेल, बड़े विचित्र तरीके से बताता हूं मैं, एज ए ट्रांसलेटेड, यहां पे उसको अनुवादित किया गया है, कौन सा विचित्र जवाब उसने मुझे दिया था और मैं यहां पे अनुवादित कर रहा हूं। क्या उसने कहा? आई एम द पोइट ऑफ द बर्ड, सेड द वॉइस ऑफ द रेन्स, इटर्नल आई राइज इन इम्पैल्पेबल्स आउट ऑफ द लैंड्स एंड द बॉटमलेस सी टू अपवर्ड टू हेवंस व्हेंस वेगली फॉर्म ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। आई डिसेंड टू हेवंस व्हेंस वेगली फॉर्म्स ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीट्स ओनली लेटेंट अनबोर्न एंड फॉर एवर डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओवन ओरिजन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वांडरिंग्स रैग्ड और अनरैग्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स। एंड हु आर दो, कि तुम कौन हो। सेड आई तो द सॉफ्ट फॉलिंग शावर्स, मैंने उस सावर बूंदाबांदी से पूछा कि तुम कौन हो। विद स्ट्रेंज टू टेल, कि जो बड़ी विचित्र चीज बता रहा हूँ, गिव मी एन आंसर, जो विचित्र बात थी मुझे उत्तर मिला बारिश का, एंड हेयर ट्रांसलेटेड, यहाँ पे मैं अनुवादित कर रहा हूँ। उसने क्या कहा बारिश ने? फर्स्ट लाइन जो है कवि ने बोली थी और ये सेकेंड लाइन अभी पोइम उसने सावर ने बोली है। आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ, कि मैं इस पृथ्वी की, इस धरती की कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज ने उत्तर दिया, मैं इस धरती की कविता हूँ। इटर्नल अनंतता, कंटिन्यू लगातार, आई राइज इन इम्पैल्पेबल, जिसको एड्रेस है, जिसको छुआ ना जा सके, वो उठती रहती, मैं लगातार उठती रहती हूँ आउट ऑफ द लैंड, जमीन के अंदर से, एंड द बॉटमलेस सी, और इस अथा बिना तलहटी के समुन्द्र के अंदर से लगातार मैं उठती रहती हूँ। आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ, मैं धरती की कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज ने कहा। इटर्नल आई राइज अनंतता तक, आई राइज लगातार मैं उठती हूँ। इम्पेल्पेबल, बिना दिखाई दिए हुए, आउट ऑफ द लैंड, जमीन के अंदर से, एंड द बॉटमलेस सी, और उस अथा समुन्दर के अंदर से, बिना तलहटी के समुन्दर से, गहरे समुन्दर के अंदर से। अपवर्ड टू हेवन, मैं अपवर्ड उपता ऊपर की तरफ जाना, मैं आकाश, हेवन सौरभ की तरफ, आकाश की तरफ जाती हूँ। वेग वेंस, जब वेगली फॉर्म, अस्पष्ट रूप मेरा बन जाता है, ऑल टुगेदर चेंज, बिल्कुल बदल जाती हूँ, यट द सेम, फिर रहती हूँ वही। आई डिसेंड टू लेव द ड्रोट, मैं डिसेंड नीचे उतरती हूँ, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंड टू लेव, उसकी धोने के लिए, साफ करने के लिए, द ड्रोट, सूखे को खत्म करने के लिए, ऑटम्स अणुओं को, एंड डस्ट लेयर, और रेत की तहों को, रेत के कणों को, ऑफ द ग्लोब ब्रह्मांड के, उनको साफ करने के लिए मैं नीचे आती हूँ। And all that in them without me, और जो भी चीजें उनके अंदर हैं मेरे बगैर, were seeds only, केवल बीज ही रहेंगे, latent, छुपे हुए, and unborn, बिना जन्म लिए हुए, and forever, by day and night, की हमेशा, दिन और रात, I give back life to my own origin, मैं give back life, वापिस जीवन देती हूँ to my own, अपनी origin, उत्पत्ति को, and make pure and beautify it, और उसको शुद्ध और सुंदर करती हूँ, जिस प्रकार for song issuing from its birth place, की जहाँ से वो जन्म लेते हैं, after fulfillment, अपनी पूर्ति करने के बाद में, wandering, घूमने के बाद में, वहीं पे पहुँच जाते हैं, उसी तरीके से for song, जिस प्रकार गीत issuing फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जहां से वापिस वहीं पे आ जाते हैं जहां से वो जन्म लेते हैं, आफ्टर फुलफिलमेंट, पूर्ति के बाद, वांडरिंग, घूमने के बाद,
रेड और अनरेड ड्यूली विद लव रिटर्न की माने या ना माने, सुने या ना सुने कोई, मैं विधिवत रूप से ड्यूली विद लव रिटर्न बड़े प्यार से मैं वापिस आ जाती हूँ। दोबारा फिर देख लेते हैं। एंड हु आर दो कि तुम कौन हो, सेड आई टू द कवि ने कहा टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर से उस बूंदाबांदी से जो छत पर गिर रही थी कि तुम कौन हो, विथ स्ट्रेंज टू टेल जो बड़ी विचित्र बात है कि मैं यहां वर्णन कर रहा हूं, गिव मी एन आंसर मुझे उत्तर दिया, एज हे ट्रांसलेटेड बारिश ने जो उत्तर दिया उसका मैं यहां पे वर्णन कर रहा हूं। उसने कहा आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ की मैं धरती की कविता हूं, सेड द वॉइस ऑफ द रेन बारिश की आवाज ने कहा। इटर्नल अनंतता तक कंटिन्यू आई राइज इम्पेल्पेबल बिना दिखाई दिए हुए मैं उठती हूँ आउट ऑफ द लैंड जमीन के अंदर से एंड द बॉटमलेस सी और इस अनंत गहरे समुन्दर के अंदर से अथा जिसकी कोई तलहटी नहीं होते गहरे समुन्दर के अंदर से लगातार उठती रहती हूँ। अपर टू हेवन सौरभ की तरफ आकाश की तरफ जाती हूँ। वेंस जब वेगली फॉर्म असपष्ट रूप मेरा हो जाता है, वेगली असपष्ट फॉर्म मैंने रूप बन जाना, आल टुगेदर एकदम चेंज्ड बिल्कुल बदल जाती हूँ, जड़ द सेम फिर भी वही रहती हूँ। आई डिसेंड मैं नीचे उतरती हूँ टू ले धोने के लिए द ड्रोट सूखे को अकाल को ड्राई को साफ करने के लिए मैं नीचे आती हूँ, ओटम्स कणुओं को डस्ट लेयर से रेत की कणों को रेत की तहों को ऑफ द ग्लोब इस ब्रह्मांड से एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली मेरे बगैर जो चीजें उनके अंदर है केवल बीज ही रहेंगे सीड्स ही रहेंगे लेटेंट छुपे हुए अनबोर्न बिना जन्म लिए हुए एंड फॉर एवर हमेशा बाई डे एंड नाइट दिन रात आई गिव बैक लाइफ टू माई ओवन ओरिजन में अपनी उत्पत्ति को दोबारा जन्म देती रहती हूँ एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट उसको शुद्ध और सुंदर करती हूँ। फॉर सॉन्ग जिस प्रकार गीत होते हैं इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस अपने जन्म स्थान से वो जब जारी होते हैं आफ्टर फुलफिलमेंट वांड्री घूमने के बाद में फिर वहीं पुराने स्थान पे आ जाते हैं उसी तरीके से मेरा चक्र है। रैग्ड और अनरैग्ड सुने या ना सुने पहचाने या ना पहचाने ड्यूली विधिवत रूप से आई विद लव रिटर्न ड्यूली विद लव रिटर्न बड़े प्यार के साथ में वापिस आ जाती हूँ। अब इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर क्या छोटी छोटी बातें कही गई हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है देर आर टू वॉइसेज इन द पोइम दो आवाज एक कवि की आवाज और एक बारिश की दो ही बात क्लियरली है हु डू दे बिलोंग्स टू विच लाइन्स इंडिकेट लाइन बता देते हैं लाइन्स मीन्स इसमें एंड हु आर दो सेड आई ये तो है पोइट की आवाज फर्स्ट लाइन थी एंड हु आर दो कि तुम कौन हो एंड जो कविता की आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ ये सेड द रेन ये बारिश की आवाज है दो लाइने हैं यहाँ पे। What does the phrase "strains to tell" means? इसका क्या मतलब है? The poet says that he asked the shower who it was. मैंने पूछा कि तुम कौन हो? It was strange that the rain gave me an answer. और विचित्र बात ये थी कि उसने मुझे उत्तर दे दिया जो मैं बता रहा हूँ। There is a parallel drawn between rain and music. Which word indicate this? Explain the similarity between the two lines. कि संगीत में और बारिश में एक समानता है, समान बराबर दिखाए गए यहाँ पे किस लाइन से हमें ये पता लगता है? आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ द पोइट सेज दैट द सॉन्ग्स रिटर्न टू इट्स ओरिजिन जिस प्रकार गीत जो है घूमने फिरने के बाद में अपने उत्पत्ति के स्थान पर वापिस आ जाते हैं इन द सेम वे द रेन टेक्स बर्थ फ्रॉम द अर्थ एंड देन रिटर्न टू इट कि धरती के ऊपर से बारिश जन्म लेती है और फिर वो वापिस धरती के ऊपर ही आ जाती है। तो संगीत भी इसी तरीके से है और बारिश भी इसी तरीके से है। हाउ इज द साइकिल मूवमेंट ऑफ द रेन ब्रोट आउट इन द पोइम्स कंपेयर इट विद वट यू हैव लर्नड इन द साइंस कि किस प्रकार वो साइकिल जो है बारिश का किस प्रकार साइकिल होता है वो किस प्रकार यहाँ पे कविता के अंदर दर्शाया गया है। द रेन टेल्स द पोइट दैट इट टेक्स बर्थ फ्रॉम द लैंड एंड द सी पहले बारिश ने कहा कि मैं जन्म लेती हूँ जमीन से नदियों वगैरह से और समुन्दर से देन इट गोज अपवर्ड एंड इट चेंज ऊपर जाती है आसमान में चेंज बल हो जाते हैं ऑल टुगेदर चेंज देन इट फॉल्स टू अर्थ पे गिर जाती है एंड द ओशन में इन द फॉर्म ऑफ रेन तब बारिश के रूप में धरती पे या समुद्र में गिर जाती है। दिस द साइक्लिक मूवमेंट है ये इसका साइक्लिक मूवमेंट दिस इज व्हाट साइंस टेल्स अस अबाउट द ओरिजिन एंड फंक्शंस ऑफ रेन और विज्ञान में भी यही बात बताई जाती है। व्हाई आर द लास्ट टू लाइन्स पुट विद इन ब्रैकेट के अंदर लास्ट टू लाइन्स क्यों डाली गई है। The poet says that the song returned to its origin. कवि कहता है इसके अंदर कि जिस प्रकार गीत जो है अपने उत्पत्ति के स्थान पे वापिस लौट आता है उसी तरीके से द रेन ऑल्सो इज लाइक ए सॉन्ग ये भी एक गीत की तरह है इट रिटर्न टू इट्स ओरिजिन दैट इज अर्थ जहां से जन्म लेती है फिर वो धरती के ऊपर वापिस आ जाती है। लिस्ट द पेयर्स अपोजिट फाउंड इन द पोइम कौन कौन से वक्सर एक दूसरे के अपोजिट है जो कविता के अंदर दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ वेगली फॉर्म वेगली असपष्ट तरीके से और फॉर्म में निर्माण करना दोनों एक असपष्ट और एक निर्माण करना उसका आल टूगेदर चेंज्ड यट द सेम
बदलना, चेंज्ड और येट द सेम, दोनों बराबर यहां भी कंपेयर किया गया है, डे एंड नाइट एक इजीली है, रैक्ड और अनरैक्ड जो लास्ट में दिया गया है, रैक्ड कोई सुने अनुमान लगाए या पहचाने ना पहचाने, मैं वापिस वहां धरती के ऊपर आती रहती हूँ। ये बातें थोड़ी सी इसके अंदर बिल्कुल सिंपली वैसे इजीली उन्होंने क्वेश्चन भी इजीली पूछे गए हैं। ये वाल्ट विटमैन जी यूएसए से बिलोंग करते थे, बड़े इजीली लेवल से सिलेबस में डाली गई कविता, ज्यादा मुश्किल नहीं है। हम 10+1 में कोई भी पोइम जो है वो ज्यादा मुश्किल नहीं डालेगी, बिल्कुल इजी इजी पोइम इसके अंदर डालेगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।